अब है इसी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट। तो हमारे पास में सेकेंड पार्ट में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है कि x की वैल्यूज़ क्या होंगी। और हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, दो मेथड्स हैं हमारे पास में, पहला मेथड है हमारा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Completing the square method. और दूसरा मेथड है हमारे पास में by using quadratic formula. तो दूसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और पहला मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, हमारे पास में इक्वेशन ये दे रखी है 2x² + x - 6 = 0। अब पहला स्टेप हमारा ये है, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको 1 बनाएंगे, और उसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। Divide above equation by 2, ताकि यहाँ पे x square का coefficient जो है, जो a का जो value है 1 चाहिए हमें, तो उसके लिए हम इसको divide करेंगे by 2। तो जब हम इसको divide करेंगे 2 से, तो हमारे पास में equation आएगी x² + x/2 - 3 = 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो है हमारे पास में दैट इज़, अब यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है वो है 1/2। तो हम यहाँ पे 1/2 का हाफ कितना होगा इंटू 1/2, तो ये हमारे पास में आएगा 1/4, मतलब हाफ ऑफ कोफिशियंट ऑफ x होगा 1/4 और इसका स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में, ऐड और माइनस करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन आएगी x² + x/2 - 3 + 1/4² - 1/4² = 0। तो अब हम यहाँ पर, हमारे पास में ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये x बाई टू है, यहाँ पे हम लेंगे इसके इनके साथ में प्लस का 1/4 का स्क्वायर। तो मैं इन तीनों को एक साथ लिखूँगा x² + 1/4² + x/2 और यहाँ पे आएगा -3 एंड -1/16 = 0। अब मैंने यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो x/2 है ये प्लस में है। देखो, तो अगर मैं इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँगा तो यहाँ पे इतने का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ये होगा x + 1/4 का स्क्वायर, और हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन चाहिए, और ये पॉजिटिव साइन तभी आएगा जब मैं प्लस का 1/4 स्क्वायर लूँगा, माइनस का 1/4 का स्क्वायर नहीं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा x प्लस
वन बाई फोर का स्क्वायर, x प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा माइनस में 16 एलसीएम आएगा, और 48 प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है x प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर माइनस में, और ये होगा 49 अपॉन 16 बराबर में 0। 49 अपॉन 16 बराबर में 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको लेट करेंगे, हम इसको लेट करेंगे कैपिटल X। तो हमने इतना जो परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, हम इसको कैपिटल X लेट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा X का स्क्वायर बराबर में हो रहा है 49 अपॉन 16, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 7/4। तो हमारे पास में यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है प्लस माइनस 7/4, मतलब कि जो कैपिटल x है हमारे पास में, कैपिटल x का वैल्यू आ गया है प्लस माइनस 7/4। और अब हमारे पास में जो वैल्यूज़ हैं x का प्लस माइनस 7/4, इसको हम इसके प्लेस पे पुट करेंगे ताकि हमारे पास में जो स्मॉल x है जो हमें निकालना है वो हमारे पास में आ जाए। सो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे हमारे पास में। केस वन है, तो यहाँ पे हमारे पास में पहले कैपिटल x का वैल्यू है हम ले रहे हैं प्लस का 7/4, और केस सेकंड में हम लेंगे x का वैल्यू है माइनस का 7/4, x का वैल्यू है माइनस का 7/4। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कैपिटल x है वो ये है स्मॉल x प्लस 1/4। सो स्मॉल x प्लस 1/4 बराबर में आएगा 7/4, ठीक है। और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आएगा कितना, 7/4 माइनस का 1/4, और वो हमारे पास में होगा नीचे 4 आएगा और यहाँ पे होगा 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो x का जो वैल्यू है, जो पहला रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो पहला रूट है वो आ रहा है 3/2। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे माइनस का 7/4, और जो कैपिटल x है उसका वैल्यू कितना है, x प्लस 1/4 बराबर में होगा माइनस का 7/4। तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 7/4 माइनस का 1/4, और ये बराबर होगा एलसीएम आएगा 4 माइनस का 8। और हमारे पास में यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2। तो इसके यहाँ पे हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 3/2 और एक आ रहा है माइनस का 2। तो रूट्स आ गए हैं कितने, दो आए हैं, पहला है माइनस का 3/2, पहला है प्लस का 3/2 और दूसरा है माइनस का 2। तो ये तो आए हैं बाय यूजिंग द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब दूसरा मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है अगर मैं x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे जो x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो होता है a, x के कोफिशियंट को बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है माइनस का 6 जो यहाँ पे जो है वो बराबर होती है c के। तो यहाँ पे x का फार्मूला होगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x की वैल्यू निकालने का, वो होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। और इस केस में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तब एग्जिस्ट करेंगे जब हमारे पास में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है जब ये या तो ग्रेटर देन या इक्वल जीरो हो। जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसका जो वैल्यू हो या तो वो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, तभी यहाँ पे एक्स का जो वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर में ज़ीरो। और यहाँ पे हमारे पास में a का वैल्यू कितना है, 2 है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है माइनस का 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 2 है, x का जो कोफिशियंट है 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 6। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं a, b, c का हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। सो x बराबर में होगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वो होगा 1 माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी माने 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 6 अपॉन में होगा ट्वाइस ऑफ a और वो होगा 4 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास में x बराबर होगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में होगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस में ये आ रहा है 4 टू 8, 8 सिक्स 48, तो ये होगा 49 अपॉन में होगा 4। x की जो वैल्यू है वो आ रही है माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन में 4। इसमें भी हमारे पास में दो केसेस बनेंगे। केस वन है हमारे पास में जब हम यहाँ पर प्लस साइन ले रहे हैं केस वन और माइनस साइन ले रहे हैं, तो बनेगा केस टू। अब हम केस वन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स का वैल्यू आएगा माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 4, एक्स का वैल्यू आएगा 6 बाई 4 और ये बराबर होगा 3 बाई 2 के। यहाँ पे हमारे पास में x का जो वैल्यू है वो आ रहा है 3 बाई 2। ठीक है, और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन को। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 1 माइनस का 7 अपॉन 4 और x आएगा माइनस 8 बाई 4 और यहाँ पे हमारे पास में x का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2। तो हमारे पास में हमने जो इक्वेशन है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसको सॉल्व करा और हमारे पास में इसके रूट्स आ रहे हैं 3 बाई 2 कॉमा माइनस का 2। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व हम किसी भी मेथड से करें बट जो रूट्स हैं वो सिमिलर आएंगे दोनों केसेस के अंदर। तो ये है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और ये मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।